हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो है हिटलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि 56 मिलियन पाउंड से अधिक मूल्य का नाजी सोना बवेरिया के वाल्चन झील के तल पर पड़ा हुआ है, जो सबसे गहरी और सबसे बड़ी अल्पाइन झीलों में से एक है। स्थानीय लोगों ने हिटलर शासन के समाप्त होने से एक महीने पहले अप्रैल 1945 में झील के तट पर जर्मन सैनिकों को देखने की सूचना दी थी। अभिलेखागार में यह दिखाने वाले रिकॉर्ड भी हैं कि हिटलर ने सैनिकों को देखे जाने के समय बर्लिन से बवेरिया तक अंधेरे की आड़ में यात्रा करने के लिए सेना के अनुरक्षण के साथ 3 ट्रकों को अधिकृत किया था। रीस बैंक के अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम तट पर एक हेमलेट आइलैंड में अपने भंडार के एक हिस्से को छिपाने की योजना को मंजूरी दी थी। इसमें 365 बोरी सोने की छड़ें, 4 क्रेट सोना और 2 बैग सोने के सिक्के शामिल थे। जून 1945 में खजाना फ्रेंड्स कंट्रीज को सौंप दिया गया था, लेकिन 100 सोने की छड़ें और US डॉलर स्विस फ्रैंक के 94 बोरे गायब थे, जो कभी भी खोजे नहीं गए। ऑस्ट्रेलियाई लेक टोपलेट्स में भी हिटलर का बड़ा खजाना छुपा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि बक्सों में अरबों पाउंड मूल्य का चुराया हुआ सोना और प्लेटिनम बुलियन है। साथ ही यह दिखाने वाले दस्तावेज भी हैं कि स्विस बैंक खातों में यहूदी पीड़ितों से जमा की गई संपत्ति कहां छिपाई गई थी। 1959 में नकली ब्रिटिश बैंक नोटों में 100 मिलियन पाउंड से अधिक के मामले झील में गोताखोरी अभियान के दौरान पाए गए थे, जो हिटलर की ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों से भरकर नष्ट करने की योजना का हिस्सा था। इस झील में खजाने की खोज करने वाले कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के अंतिम दिनों में दक्षिण पश्चिम पोलैंड में नाजियों द्वारा सोने और खजाने से लदी एक पूरी ट्रेन को छिपा दिया गया था। एक बख्तरबंद ट्रेन पोलैंड में ब्रासलाव से निकली और स्विस बोडिस स्टेशन पर पहुंची, लेकिन वाल्ब्रिस्क में अगले स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई, जिसके पास के आउल पर्वत के नीचे सुरंगों में प्रवेश करने का संदेह है। जहाज पर 330 टन से अधिक सोना, जवाहरात और हथियार लदे हैं। पिछले साल 2 खोजी कोपर और रिक्टर ने कहा था कि उन्हें पोलैंड के जर्स्का वेस गांव में एक झील के तल पर ट्रेन के अवशेष मिले हैं और उन्होंने खोए हुए नाजी काफिले को उठाने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। एक और पोलिश महल के नीचे 10 टन नाजी बुलियन खजाने की खोज करने वालों का कहना है कि वो 200 मिलियन पाउंड के गुप्त कोष को खोजने के बहुत ज्यादा करीब हैं। ऐसा माना जाता है कि मोनेट, मानेट, सीजेन और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की मूर्तियां, कालीन और टेपेस्ट्री के साथ अनमोल पेंटिंग चेक जर्मन सीमा के पास एक पर्वत श्रृंखला में एक पुरानी चांदी की खदान में दबी हुई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।